मुस्तकबिल में बरेली जिले में ऑक्सीजन की कमी न हो इसके लिए जिले का 8वां ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में शुरू हुए इस ऑक्सीजन प्लांट की सलाहियत 800 लीटर फी मिनट है। ये कोविड-19 से मुतासर लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी या सांस लेने में मदद करेगा। इससे पहले जिले में 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन समेत सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। LMP का प्लांट है और ये कम से कम 500 बेड की सप्लाई कर सकता है और बड़ा प्लांट है और बरेली का सबसे बड़ा प्लांट है। करीब 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है तो इससे अवश्य ही नगरवासियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। नगरवासियों की नहीं बल्कि पूरे जिले और जिले के बाहर बाहरी दूसरे जिलों की भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। कोरोना में कोई इस तरह की ऑक्सीजन की दिक्कत आती है तो उसमें भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, कोविड में जो भी तैयारी हमारी पूरी हैं और थर्ड वेव में जो अभी तक जिस तरह करिए हमारे 850 पेशेंट अब तक चिन्हित हुए हैं, लेकिन कहीं पर किसी को कोई बहुत इस तरह के सिम्टम्स नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए या उनके ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। तो अभी हर चीज़ कंट्रोल में, हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं। हमारा कोविड सेंटर जो है ICCC वो लगातार काम कर रहा है और जहाँ पर जो भी पेशेंट चिन्हित होते हैं उनको हम मेडिसिन किट पहुँचा रहे हैं। सभी जो निगरानी समितियाँ हमारे गांव में हैं उनको भी मेडिसिन किट 50-50 दे दी गई हैं कि जहाँ कहीं भी कोई बीमार चिन्हित होता है तत्काल उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए। तो पूरी व्यवस्था हमारी ठीक है।